वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग दिखाएंगे कैसे ये जो पोटैटो है ना, आलू हम लोग कैसे बहुत जल्द प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं। तो मैं ये आलू को पीस नहीं करूँगा। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, मेरा ये हर बड़ी रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों के लिए, ये चैनल मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पीस नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो छुरी है ये नाइफ से जस्ट ऐसे बस तीन चार दगा लगा देंगे। सो आप लोग देखिए कैसे मैंने ये चाकू से, ये छुरी से देखिए मैंने ये दगा लगा दिया, बस ऐसे ऐसे कर दिया। तो आलू को आप लोग को पीस नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे करने के बाद मैं ये प्रेशर कुकर में आलू दे दूंगा। सो देखिए मैं ये प्रेशर कुकर को गैस पे चला दिया एंड ये पानी डाल दिया। और ये आलू तो मैं धो के ही रखा था, तो ये जो होल जो पोटैटो है वो मैंने डाल दिया। अभी ढक्कन क्लोज करेंगे। सो ढक्कन क्लोज कर दिया, तो अभी दो हुइसल आने तक पकाएंगे हाई आंच पे। बस फर्स्ट हुइसल आ रही है, तो दो हुइसल डालेंगे हाई आंच पे। एक हुइसल, तो बस दो हुइसल आ गया। मैं गैस को तुरंत कम कर दिया एंड अभी 5 मिनट मैं रखूंगा, क्योंकि ये होल पोटैटो है। हो सकता है मैं छुरी से उसको बीच में कट दिया पर पीस नहीं किया, तो इसीलिए 5 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर से गैस आप तेज़ करके दो हुइसल डालेंगे। तो देखिए मेरा गैस कम था तो 5 मिनट ओवर, तो कुकर ऐसे जिजलिंग कर रही है, तो मैं फिर से ये गैस को बढ़ा दिया। बस और एक हुइसल डालेंगे एंड गैस को बंद कर देंगे एंड फुल प्रेशर रख देंगे। एंड फुल प्रेशर रखने के बाद कैसा होता है वो दिखाऊंगा। बस ये कंप्लीट हो गया, तो मैं ये गैस को बंद कर रहा हूँ एंड फुल प्रेशर रखने के बाद आलू निकलने के बाद वो छिलका छोल के मैं दिखाऊंगा ये कैसे बॉयल हुआ है। सो देखिए प्रेशर निकल जाने के बाद ये देखिए आलू ऐसे हुआ। तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा ठंड करके इसका छिलका छिला के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए आलू ऐसे सुंदर बॉयल हुआ है, छिलका बहुत इजीली निकल रहा है, तो मैं पूरा छिलका छिला के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो देखिए पूरा छिलका मैंने छिला दिया एंड ये देखिए आलू पीसेस करके मैं इसको थोड़ा सा हाथ से स्मैश कर रहा हूँ, आप लोग दिख रहे हैं देखिए कितना सुंदर से ये हो गया। देखिए तो आप लोग ज़रूर ऐसे फॉलो कीजिए। तो इसमें क्या सुविधा है, आलू को आप लोगों को पीसेस भी नहीं करना पड़ेगा, इसका छिलका भी हटाना नहीं पड़ेगा, तो पूरा जो होल आलू है वो आलू आप लोग देने के बाद छिलका मत छिलाइए एंड बॉयल हो जाने के बाद ना ये छिलका बहुत इजीली उठ जाता है। तो देखिए मैंने कैसे इसको किया, तो आप लोग भी ऐसे फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे एंड ये चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। बाय।